के 38% आबादी अति पिछड़ों की है, और कोई ऐसी पार्लियामेंट नहीं है कि जहां 5 लाख 6 लाख 8 लाख 7 लाख इनके अकेले वोट हैं। ये निर्णायक भूमिका में किसी को जिताते हैं, किसी को हराते हैं। अब तक आज़ादी के बाद से यही खेल हुआ है। इनके साथ जो भी सत्ता में पार्टियां आई उनके साथ धोखा किया, तो उस अब इनको भी जागृति हुई है कि हमको हिस्सा नहीं मिल रहा है। जैसे आपने देखा आगरा में लोध बिरादरी ने बगावत किया कि हमको हिस्सा नहीं मिल रहा है। लखनऊ में अंदर अंदर सुलग रहा है, वो भी जल्दी उबाल होने वाला है, वो बर्तन से पानी बाहर ऊपर आने वाला है। उसी तरह हर जातियों में उबाल आ रहा है कि हमको हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, वो तड़फड़ा रहे हैं। देखिए, विभिन्न पार्टियों ने विभिन्न जातियों में नेता पैदा कर लिया है। जिस तरह गांधी जी के 3 बंदर होते हैं ना, उसी तरह के बानर पैदा कर लिए गए हैं। उनको MLA बना दिया जाता है, मंत्री बना दिया जाता है, सांसद बना दिया जाता है, और यह कह दिया जाता है कि अब टाइम आएगा तो तुम बोलना। अब चुनाव 2019 का आ रहा है और ये डमरू और दफला लेकर के अब अपने अपने जाति का बाजा बजा रहे हैं। कोई लखनऊ में बजा रहा है, तो कोई गांव में जाके बजा रहा है, तो कोई जिले में बजा रहा है, लेकिन ये बाजा नहीं बजा रहे हैं कि गरीबों के रोजगार कैसे मिलेंगे, शिक्षा कैसे मिलेंगे, उनको बेरोजगारी कैसे दूर होगी, नौकरी कैसे मिलेगी, उनके पुल पुलिया नाली खड़ंजा चक्रोड कैसे बनेंगे, उनका राशन कार्ड 72 साल में नहीं बना, उनके आवास कैसे बनेंगे, उनके शौचालय कैसे बनेंगे, पेंशन कैसे बनेगा, ये उनको ध्यान नहीं है। 7वां वेतन आयोग लागू हो गया, अभी मजदूरी क्यों नहीं, मजदूरों की बढ़ रही है। अब 2019 में बताएगी जनता, धोखा खाते खाते परिपक्व हो गए, धोखेबाज अब तैयार हैं धोखा देने के लिए। पूर्वांचल नहीं, अब 4 राज्य बनना चाहिए, पूर्वांचल, मध्यांचल, पश्चिमांचल और बुंदेलखंड। 4 स्टेटों की बात अब हो रही है। पूर्वांचल के लोग तो एकदम सीना ताने हुए हैं। समय एक ऐसी चीज है, वो सब करवा देती है, और वो दिन दूर नहीं है, प्रदेश को 4 भागे में बांटना पड़ेगा। जब कल हम पूर्वांचल में थे, अब हम पश्चिमांचल भी चले गए। जब शामली, एटा, इटावा, कन्नौज, अमेठी, रायबरेली घूमने लगे, जब हम जाने लगे मुजफ्फरनगर, सहारनपुर का जाने लगे, तो वहाँ के लोगों ने भी कहा कि हमारी भी डिमांड है, हमारी भी बात उठाओ नेता। हमने कहा कि चलो भाई आप हमारे साथ आओ, हम आपकी आवाज़ उठाते हैं। प्रधानमंत्री जी हैं और अब उन पे हम क्या कहें। हम जिस स्टेट में खड़े हैं, इस स्टेट के इर्द गिर्द 6 स्टेट हैं, और 6 स्टेट में एक भी स्टेट का नाम बता दीजिए जहाँ पिछड़े का बेटा मुख्यमंत्री हो। आप बताओ, क्या राजभर का बेटा है, चौहान का, बिंद का, केवट का, मल्ला का, पाल का, प्रजापति का, कुमार का, लोहार का, धोबी का, धरिकार का, पटेल का, यादव का बेटा है, लोधी का बेटा है? खुलेआम ब्राह्मण मरेगा तो 25 लाख, ठाकुर मरेगा तो 20 लाख, यादव मरेगा तो 5 लाख, चौहान मरेगा तो 3 लाख, राजभर मरेगा तो 1 लाख, चमार मरेगा तो 50,000। ये कौन सा मानकता है? अगर हत्या हो रही है तो भी के धरिकार के पासी के खटिक के हर जाति इंसान एक होता है। ऐसा थोड़ा है कि किसी के पास 22 हाथ है, 22 नाक है, 15 नकुला है और आँख है। सबको तो 2 आँख है, 2 नकुला। मेरी सरकार नहीं है भाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम सरकार में शामिल हैं। ठीक है।